नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आपका टेक जंक्शन में स्वागत है। दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं मेरे इस नए ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर का और इसके कुछ फ़ायदे गिनाऊंगा जिससे आपको मदद मिलेगी कि डिसाइड करने के लिए कि आपको ये प्रिंटर परचेस करना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के बॉक्स के साथ आया हुआ है अपना प्रिंटर। आगे से देखोगे तो यहाँ थर्मल प्रिंटर लिखा हुआ है, वही अगर आया लेफ्ट साइड देखोगे तो मॉडल नंबर ब्लूटूथ प्रिंटर, या अगर मॉडल नंबर देखोगे तो ये 58HB6 है। इंटरफेस इसका अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे USB से कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल के साथ या लैपटॉप के साथ। और कुछ बारकोड डिटेल्स, वोल्टेज डिटेल्स और यहाँ एक बारकोड है बस, आगे कुछ और कुछ है नहीं। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट्स और फिर इसे अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। तो बॉक्स खोलते ही आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल जिसे हम पढ़ेंगे नहीं, इसको रखते हैं साइड में। उसके साथ आपको यहाँ मिलता है अपना थर्मल प्रिंटर, इसको फ़िलहाल साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट्स और क्या है। और ये आपको मिलता है चार्जिंग केबल जो कि है माइक्रो USB टाइप का, तो इसे भी साइड में रखेंगे ठीक। तो अगर अभी आप यहाँ देखोगे तो ये अपना पोर्टेबल प्रिंटर है जो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ आता है। तो अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूँ तो ये 75mm x 105mm x 46mm तक का डायमेंशन है, काफ़ी लाइट वेट सा है। अगर आप इसकी वेट की बात करो तो ये आता है लगभग आपको 200 ग्राम तक का बिना पेपर रोल के। इस प्रिंटर के साथ आपको एक पेपर रोल भी मिल जाता है। और अगर मैं इसके पेपर के बारे में बात करूँ, ये थर्मल प्रिंटर पेपर है और ये पेपर का विड्थ जो है ये 2 इंच का होगा यानी कि 58mm का, और ये रोल जो डायमीटर होगा इसके अंदर बैठने के लिए ये कम ज़्यादा से ज़्यादा 40mm का होना चाहिए। तो चलिए अभी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ आपको एक एंड्रॉयड iOS या मोबाइल प्रिंटर लिखा देखने मिलेगा। उसके साथ आपको यहाँ एक पावर बटन मिलता है और एक फीड बटन जिसकी मदद से हम इस पेपर को फीड कर सकते हैं, आगे ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ 2 LED इंडिकेटर मिलेंगे, एक पावर इंडिकेटर है और एक फंक्शन इंडिकेटर है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। वही अगर प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ आपको माइक्रो USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है, इसे आप चाहो तो चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या अपने लैपटॉप के साथ या मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड में आपको कुछ नहीं है। वहीं अगर आप नीचे के साइड देखोगे तो यहाँ फिर से मॉडल नंबर, ब्लूटूथ प्रिंटर, USB इंटरफेस या ब्लूटूथ इंटरफेस, इसका वोल्टेज और कुछ बारकोड दिया हुआ है। और इसके साथ आपको यहाँ एक बैटरी दी गई है जो आती है 1500 mAh। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है 1500 mAh, ये रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी है। ये बैटरी आपको चार्ज 0 to 100% होने के लिए 3 से 4 घंटे लेती है। वही अगर ये फुल चार्ज में अगर आप स्टैंड बाई में अगर इसे रखते हो तो 4 से 5 दिन का बैकअप मिलता है। और वही अगर आप एक फुल टाइम के चार्ज के साथ किसी पेपर पे प्रिंट मारना चाहते हो तो अगर इन जैसे रोल्स जो है 120 रोल्स आप प्रिंट कर सकते हो एक फुल चार्ज के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको आपको बार बार चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे, यहाँ एक स्टिकर लगा हुआ है, इसे निकाल के इस अपने प्रिंटर के साथ कनेक्ट करके, तो चलिए अभी इसे मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल के साथ कनेक्ट करके कुछ प्रिंट निकाल के देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस प्रिंटर को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे और इसका प्रिंटिंग क्वालिटी भी चेक करेंगे और प्रिंटिंग स्पीड भी चेक करेंगे। तो पावर ऑन करने के लिए मैं इस पावर बटन को 1 सेकंड के लिए प्रेस करूंगा और आपको एक बीप आवाज आएगा, तो सुनिए। तो ये देखिए अभी ये ऑन तो हो गया है, अभी इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ जाऊँगा ब्लूटूथ पे और ब्लूटूथ में अभी हमें दिखना चाहिए ये, यस। तो अभी ये देख पा रहे हो, ये 58HB6 मॉडल नंबर दिख रहा है ब्लूटूथ प्रिंटर का, तो इसे मैं कनेक्ट करूँगा। और अभी ये कुछ पिन मांग रहा है, नॉर्मली ये 4x0 होता है या फिर 1234 होगा, तो मैं इसे 4x0 पहले ट्राई करता हूँ।
और रिपेयर, तो ये सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो अभी एक मैं मेट बिलिंग करके एक बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, जिसकी मदद से हम कोई एक फेक या फिर एक टेम्प्ररी बिल बनाएंगे और प्रिंट क्वालिटी देखेंगे। तो इस यहाँ मैं जाऊँगा बिलिंग और प्रोडक्ट न्यू बिल सॉरी, और ये मैंने कुछ दो कैटेगरीज बनाए हुए हैं टेम्प्ररी, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊँगा और ये थर्मल प्रिंटर ऐड हो गया अभी देखो। उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगा स्वीट्स में, ये स्वीट्स ऐड कर दिया, तो यहाँ मैं ओके करूँगा। उसके बाद में ये बिल अमाउंट सभी जनरेट हो गया। अभी मैं चाहो तो इसे एडिट कर सकता हूँ, PDF में सेव कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, या फिर प्रिंट मार सकता हूँ डायरेक्टली यहीं से। तो अभी प्रिंट मार के देखते हैं और देखते हैं कि इसको कनेक्ट हो सिंक्रोनाइज होके कनेक्ट होने में कितना टाइम लगता है और कितनी जल्दी ये प्रिंट दे देता है। तो देखिए यहाँ मैंने प्रिंट प्रेस कर दिया, और इसके बाद में आपको ये पूछेगा इन ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड में से आपका प्रिंटर कौन सा है। तो मैं ये 58HB6 जो दिख रहा है उसे कनेक्ट करूँगा, और ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ कनेक्ट के लिए क्लिक किया ये तुरंत ये प्रिंट होके आ गया, और इसका प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये देखिए कंसीडरिंग ये जो प्राइस रेंज में आपको ये प्रिंटर मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा है प्रिंटिंग क्वालिटी। तो चलिए इसे अभी हम और कुछ प्रिंट मार के देखते हैं, जैसे कि आप इस प्रिंटर को आप कोई क्लिप आर्ट या ऐसे कुछ DIY के लिए, क्राफ्ट्स के लिए, अगर कोई क्लिप आर्ट या छोटे इमेजेस ब्लैक एंड वाइट में अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही हैंडी है। तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप चाहो तो RAW BT करके एक सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये एक ट्रायल वर्शन है। तो नीचे हर प्रिंट के बाद आपको ट्रायल वर्शन का लोगो आता है जो कि बहुत ही अनोइंग है। उसके बाद अगर आप चाहो तो ब्लूटूथ प्रिंट करके एक सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड कर सकते हो, ये एक फ्री वर्शन है, इसमें कोई लोगो या फिर वाटरमार्क आता नहीं है। तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ के इस इमेज को प्रिंट मार के देखते हैं। तो मैं इसे शेयर करूँगा और जाऊँगा ब्लूटूथ प्रिंट पे, ये देखिए ब्लूटूथ प्रिंट आ गया, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में अगर आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो इसका प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू कैसा है, और यहीं से डायरेक्ट अभी हम प्रिंट भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रिंट देता हूँ और सेलेक्ट करना पड़ेगा दोबारा से अपने को ये कौन सा प्रिंटर है। तो जैसे मैं यहाँ ये प्रिंटर सेलेक्ट करता हूँ और ये देखिए प्रिंट हो गया। तो इसे मैं ज़रा सा फीड करूँगा और यहाँ से मैं इसे काट सकता हूँ। तो ये अगर आप DIY या ऐसा कुछ करते हो अपने क्राफ्ट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिसमें आपको ये ऐसे क्लिप पार्ट्स प्रिंट मार के इसमें कलरिंग करने का हो या फिर इसे कहीं पेस्ट करना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी मज़ेदार सा प्रिंटर है, काफ़ी हैंडी है, और इसे आप लेके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, और आपको सिर्फ अपने एंड्रॉयड या अपने टैबलेट के साथ कनेक्ट करके इसे प्रिंट देना होता है। इसमें ना ही कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत है और ना ही कोई प्रिंटिंग इंक की मदद चाहिए। ये एक थर्मल प्रिंटर है, इस थर्मल पेपर को ज़रा सा यहाँ एक ज़रा सा यहाँ आपको अंदर देखने मिलेगा शायद, तो यहाँ आपको अंदर एक हीटिंग के लिए एक स्ट्रिप मिलता है, ये एक्चुअली हीट करता है इस बैटरी की मदद से, और जैसे ये पेपर हीट होता है वहाँ ये काला हो जाता है। तो यही है इसका प्रिंटिंग का फंडा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे पेपर की लिंक भी दे दूंगा, जैसे इसमें ये अभी तो वाइट थर्मल पेपर है, आप चाहो तो इसमें कलर पेपर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि येल्लो, पिंक, ब्लू, जो आपकी मर्ज़ी उस कलर का पेपर मंगा सकते हो और उसमें ये यूज़ कर सकते हो एज ए स्टिकी नोट्स या कुछ भी। आपको इनमें स्टिकी पेपर भी मिल जाता है, अगर आपको कोई प्रिंटिंग या ऐसा कुछ प्रिंट मार के आपको किसी बॉक्स पे या अपने पैकेजिंग पे चिपकाना है तो आप वो स्टिकी पेपर भी यूज़ कर सकते हो, जिसे स्टिकर पेपर बोलते हैं। उस पर आपको सिर्फ प्रिंट मारना है और पीछे से उसका वो जो पेपर रहता है एडेसिव पेपर वो निकाल के आपको इस पर स्टिक कर देना होता है बॉक्स पे। तो इस प्रिंटर को आप काफ़ी मतलब बहुत ही तरीके से यूज़ कर सकते हो।
चलिए हमने इमेज तो देख लिया, अभी एक मैं आपको और एक बताता हूँ। अगर आप ब्राउज़र में ब्राउज कर रहे हो और आपको कोई एक किसी भी सेंटेंस का नोट्स करना है तो आप सिंपली इसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, कॉपी, और हम जाएंगे अपने ब्लूटूथ प्रिंट सॉफ्टवेयर पे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऐड टेक्स्ट, यहाँ टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे और नीचे ओके, उसके बाद में यहाँ प्रिंट, ये देखिए। तो ये आपके नोट्स के काम के लिए भी बहुत मदद करेगा। तो अगर आप कोई ऐसा प्रिंटर पोर्टेबल देख रहे हो तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्रिंटर्स 50-80 mm के स्पीड से पेपर को प्रिंट करता है, तो काफ़ी फास्ट सा प्रिंटर है। अगर आप किसी इंकजेट प्रिंटर या नॉर्मल प्रिंटर को कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही फास्ट प्रिंटिंग करता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आप अगर कहीं जा रहे हो, आपको ग्रोसरी परचेस करने के लिए जा रहे हो, आप चाहो तो अपने नोट्स को भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ एक कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैं कुछ ग्रोसरी के लिए ये नोट्स किए हुए मैंने, तो इसको भी मैं चाहो तो प्रिंट मार सकता हूँ और इससे लेके ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा सकता हूँ। तो इसे मैं यहाँ शेयर करूँगा, ओके, इमेज फाइल, और जाऊँगा यहाँ फिर से ब्लूटूथ प्रिंट पे, और इसे मैं चाहूँ तो यहाँ एडिट कर सकता हूँ, क्रॉप करके अपने साइज़ का प्रिंट में मार सकता हूँ। ये देखिए अभी इसको क्रॉप किया और अभी ओके, और इसको यहाँ प्रिंट, ये देखिए ये भी अपना ग्रोसरी के लिए शॉपिंग लिस्ट तैयार हो गया। तो इसको हम प्रिंट लेके शॉपिंग लिस्ट को जा सकते हैं, अभी जो आपने परचेस किया उसको सिर्फ टिक 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 करते जाओ। इस प्रिंटर को आप बहुत ही तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो आप इस प्रिंटर को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप छोटे से बिजनेस के लिए या फिर स्विगी जोमेटो ऑर्डर डिलीवरी के लिए प्रिंटर कोई देख रहे हो तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अब तक इस चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।